हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मार्केट में हर दिन नए ट्रेडर और इन्वेस्टर आ रहे हैं और जो नए लोग आ रहे हैं वो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें कौन सा लैपटॉप खरीदें। तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा लैपटॉप खरीदें और ऑलवेज हमारे पास इसकी क्वेरी आती है। तो हम आज की वीडियो में आपकी इस डिमांड को पूरी करने जा रहे हैं कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही है और क्यों सही है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाए। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, वरना किसी भी फर्जीवाड़े का शिकार हो सकते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में या पुराने टाइम में न्यूज़पेपर या अदर इन्फॉर्मेशन से ट्रेडर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता करते थे कि मार्केट में क्या कंडीशन है, उसके साथ कंपनी से कोई चुरी चीज़ें हैं क्या हैं, न्यूज़ देख लेते थे, राइट है, और वो अपने ट्रेड में यूज़ करते थे और फिर प्रॉफिट कमाते थे। आज भी न्यूज़पेपर और आर्टिकल हेल्पफुल है, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है लोग अपने लैपटॉप और फ़ोन के ज़रिए घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ट्रेडिंग में आपको थोड़ी ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है और उनकी वेबसाइट भी काफ़ी हैवी होती है। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वो भी हैवी होते हैं, इसलिए हम जनरली उसके लिए लैपटॉप प्रीफर करते हैं, जिससे हम किसी भी स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन और उसके ट्रेंड के बारे में आराम से जान सकें। कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम फ़ोन पर भी देख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है एनालिसिस की तो लैपटॉप से हम इजिली इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। तो कौन सा लैपटॉप परचेज करना बेस्ट है, इसको लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे हम सोच समझकर करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग के लिए, सर्चिंग के लिए, एनालिसिस के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। देखिए, ट्रेडिंग करते समय आपको ऐसे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है जो भारी वेब ब्राउजिंग को संभाल सके और उसके साथ ही चार्टिंग सॉफ्टवेयर को बिना किसी मिस्टेक के संभालने में कैपेबल हो। तो आइए जानते हैं कि ट्रेडिंग करते समय लैपटॉप में कौन सा फीचर देखना ज़रूरी है। मल्टीपल ब्राउजिंग सेशन यानी मल्टीपल टैप ओपन करने पर आपका लैपटॉप हैंग ना करे। अ गुड क्वालिटी डिस्प्ले, डिस्प्ले से आप सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कभी भी कॉम्पैक्ट लैपटॉप में ऐसी दिक्कत हो सकती है। एबिलिटी टू अटैच एक्सटर्नल मॉनिटर, लैपटॉप में हम एक्सटर्नल मॉनिटर को अटैच कर सके, क्योंकि ट्रेडर को काफ़ी मॉनिटर की कभी कभी चार्ट एनालिसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, स्टॉक अपडेट के लिए, ट्रेंड फॉलोअर के लिए, क्योंकि कई लोग एनालिसिस भी करते हैं। एक रिलायबल ट्रैक पैड, लैपटॉप से जनरली हम बिना माउस के वर्क करते हैं, तो एक रिलायबल स्मूथ वर्किंग ट्रैक पैड होना बहुत ज़रूरी है जिससे आप आसानी से यूज़ करें और स्विच करें तो वो चीज़ें गड़बड़ ना हो। तो हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव होता है और एक ट्रेडर को ये सब ट्रैक करने के लिए कंटिन्यूस अपडेट होना होता है। कई चार्टिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ करते हैं, कई ट्रेडर स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए यूज़ करते हैं, एनालिसिस करने के लिए, टिप्स देने के लिए। तो एक परफेक्ट लैपटॉप वहाँ पर कुछ मिनिमम सेटअप रिक्वायरमेंट के साथ होता है वहाँ पर। देखिए, एक अच्छे ट्रेडिंग लैपटॉप के लिए कुछ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है। मैं यहाँ पे दो चीज़ें बताने वाला हूँ, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट और रेकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो पहला मिनिमम में है CPU 10th जनरेशन इंटेल कोर i3, रैम 8GB का, स्टोरेज 256 SSD, डिस्प्ले 13.3 इंच FHD 1920x1080, बैटरी बैकअप 5 घंटे का, ग्राफिक जो कार्ड होना। अब हम बात करते हैं रेकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो CPU 10th जनरेशन का i5 या उससे बेहतर, रैम 16GB, स्टोरेज 512 SSD, डिस्प्ले 15.6 FHD IPS जो उसमें 1920x1080 होता है, 10 घंटे की बैटरी बैकअप, ग्राफिक कार्ड की फैसिलिटी। तो इस तरीके से ये दो रिक्वायरमेंट है जहां पे हमने चीज़ें बताई। अब लोग यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें विंडोज़ वाला लैपटॉप लेना चाहिए या
एप्पल वाला लैपटॉप लेना चाहिए। तो ये आपकी प्रिफ्रेंस पर है कि आप कौन से लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं, ज़्यादा इजी और बेटर एक्सपीरियंस, राइट है? क्योंकि किसी को एप्पल पसंद आता है, किसी को विंडोज़। तो बट मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं, ब्रोकर ट्रेडिंग एप्लीकेशन, जो iOS बेस्ड नहीं होते हैं, वो सिर्फ विंडोज़ पर ही रन करते हैं, तो उसके लिए आपको विंडोज़ लैपटॉप ही प्रीफर करेगा। अब यहाँ पर कुछ लैपटॉप हैं जिसके मॉडल हम आपको बताने वाले हैं डिटेल के साथ, बहुत मज़ा आएगा। उसमें है HP Spectre 360, CPU है इसका 1.3 GHz, Intel Core i7 है, RAM 16 GB, स्टोरेज 512 GB, SSD, डिस्प्ले 13.3 इंच, IPS FHD, GPU है यानी इंटीग्रेटेड Intel Iris Plus बैटरी है, बैटरी 18 आवर्स का है। नेक्स्ट मॉडल है HP Pavilion का, जिसमें CPU 2.8 GHz Intel Core i7 है, स्टोरेज 512 GB SSD है, RAM 16 GB का है, डिस्प्ले 15.6 इंच, FSD IPS है, GPU इंटीग्रेटेड Intel Iris Xe का है, बैटरी 6 घंटे की है। नेक्स्ट में डेल का मैं बता रहा हूँ, डेल का एक मॉडल है Inspiron 15 5000, यहाँ पर CPU 1 GHz Intel Core i5 है, RAM 16 GB है, स्टोरेज 1 TB SSD है, डिस्प्ले 15.6 इंची IPS FHD है, GPU इंटीग्रेटेड Intel UHD ग्राफिक्स है, बैटरी 5 घंटे की है। इसके बाद Apple के MacBook Pro पे आते हैं, जिसपे CPU Apple M1 8 कोर है, RAM 8 GB का, स्टोरेज 256 GB SSD है, डिस्प्ले 13.3 इंच FHD रेटिना है, ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड 8 कोर है, बैटरी 17 आवर्स का है। तो ये कुछ ऐसे लैपटॉप हैं जिसमें बेहतरीन फीचर हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको एप्पल और विंडोज़ दोनों आपको बता दिए, आपको जो पसंद आता हो आप यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि iOS वाला अगर आप एप्पल पसंद करने जा रहे हैं और वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं वो एप्पल में यूज़ होता हो तभी एप्पल लीजिए, वरना आपके पैसे फंस जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन करते हैं, तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम जानते हैं आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट शायद हो सकता है, शायद ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़कर आपके ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग की सोच में, इन्वेस्टिंग की सोच में बदलाव हो रहा है, 1% का भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो सिर्फ अपने भाई के लिंक के साथ ही डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। साथ में जब आप लैपटॉप बाय करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि आपका लैपटॉप फ्यूचर अपडेट के लिए रेडी है या नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमेशा जो लैपटॉप है ऑथराइज डीलर से लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उस लिंक से भी लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। और ऑथराइज जब डीलर से लेते हैं, रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेते हैं, तो आपको प्रॉपर सर्विस सपोर्ट मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके लैपटॉप चेकआउट करें, कैसा लगा और आप कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर शेयर करें, जिससे सब लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।